ओम नमः शिवाय। वार्षिक राशिफल के क्रम में आज हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वार्षिक राशिफल की चर्चा करेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा स्वास्थ्य, कैसी रहेगी आजीविका, नौकरी में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, कितने सफल रहेंगे, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष कैसा होगा, कब सफलता मिल सकती है, घर बार इत्यादि और समाज के तालमेल को लेते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। पहले मोटे तौर पर वर्ष भर का राशिफल सारांश रूप में बताएंगे, फिर उसे विस्तार पूर्वक प्रत्येक विषय को लेकर चर्चा करेंगे, साथ ही उसमें वह समय जो आपके लिए विशेष उपलब्धियों वाला होगा, साथ ही सटीक उपाय और क्या सावधानियां रखनी चाहिए वह भी आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह वर्ष अत्यधिक उन्नति कारक, सफलता कारक होगा। काफी संघर्षों के बाद अच्छी सफलता प्राप्त होगी। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा और धन भी खर्च होगा। बौद्धिक कार्यों में पूर्ण सफलता मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग को अध्ययन अध्यापन में अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता होगी, मगर सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। माता पिता के परस्पर संबंधों में सौम्यता बनी रहेगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में प्रगति होगी। विरोधी पक्ष कमजोर रहेगा। वैवाहिक जीवन सामान्य बना रहेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। व्यापारियों और नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह समय अत्यधिक शुभ होगा। खान पान में परहेज करना उचित रहेगा। पहले से जमा की गई पूंजी का शुभ कार्यों में निवेश होगा। बाल बच्चों को शारीरिक पीड़ा तथा अध्ययन अध्यापन में बाधाएँ उपस्थित हो सकती हैं। शनि की साढ़े साती का आपके ऊपर प्रभाव सामान्यतया बना रहेगा। आइए अब विस्तार से चर्चा करते हैं आपके वार्षिक राशिफल को, कैसी रहेगी आजीविका, नौकरी में क्या क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं। वर्ष के प्रारंभ से ही आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा और प्रभावशाली दृढ़ इच्छा शक्ति बनी हुई है, जिसमें हर कार्य में उत्साहजनक स्थिति बनी रहेगी और सकारात्मक प्रेरणा मिलते रहने के कारण प्रभावी रूप से हर कार्य में सफल रहेंगे। इस दौरान कुछ शुभ कार्यों में खर्च भी होगा और संबंधित मामले में यात्राएँ भी हो सकती हैं। नौकरी करने वाले जातकों को अप्रत्याशित लाभ मिलने की संभावना है। पिछले वर्ष के उत्तरार्ध से जो संघर्ष की स्थिति आपको महसूस हो रही थी, जिसमें आप मेहनत लगातार करते आ रहे थे मगर निष्कर्ष नहीं दिखाई पड़ता था, वह समय भी अब सुधरने वाला है। यह वर्ष पिछले वर्ष के लिए किए गए प्रयासों और मेहनत का ब्याज सहित पूरा प्रतिफल वापस करेगा। मगर शनि और सूर्य की युति वाणी भाव में होने से आपको धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। उतावलापन और संबंधों में कड़ी भाषा का प्रयोग आपके व्यक्तित्व को धूमिल कर सकता है। इस बात की सावधानी आपको वर्ष पर्यंत रखनी पड़ेगी, क्योंकि शनि धनु राशि में वर्ष पर्यंत बने रहेंगे। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए भी यह वर्ष का प्रारंभ अप्रत्याशित लाभ दिलाने वाला हो सकता है। पार्टनर से या साझेदारी के कामों में सफलता मिल सकती है। हालांकि राहु के भाग्य भाव में होने से और बृहस्पति पर राहु की पंचम दृष्टि के कारण ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है और सही निर्णय लेने में भी भ्रम की स्थिति महसूस होती है, लेकिन यह स्थिति मार्च तक बनी रहेगी और मार्च के बाद असमंजस और भ्रम की स्थिति का उतार चढ़ाव समाप्त हो जाएगा। हालांकि राहु का दुष्प्रभाव इस दौरान बहुत अधिक नहीं महसूस होगा, क्योंकि राहु बृहस्पति के नक्षत्र में चल रहे हैं। 14 फरवरी से बुधादित्य योग चतुर्थ भाव में गठित हो रहा है, जिससे सरकारी कामकाज में गति आएगी। प्रशासनिक सहयोग साथ देगा और रुके हुए काम संपन्न होंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी यह समय महत्वपूर्ण होगा। प्रतिष्ठान के लिए यदि आप बैंक से लोन इत्यादि कराना चाहते हैं तो भी उसमें सहयोग मिलेगा और आपके काम आसानी से पूरे होंगे। सूर्य के मीन राशि में आने पर संतान संबंधी सफलता की सूचना मिल सकती है। आपके पुत्र आपका नाम रोशन करेंगे और सामाजिक उपलब्धि हासिल होगी। इस दौरान बृहस्पति की पंचम दृष्टि भी सूर्य पर पड़ती रहेगी, जो कि संतान संबंधी मामलों में सफलता का सूचक है। मगर 7 मई से राहु मंगल की युति 8वें भाव में गोचर करेगी, जिससे स्वास्थ्य संबंधी उतार चढ़ाव और साथ ही साथ वाद विवाद, मुकदमेबाजी की तैयारी संभावना भी बनती है, मगर व्यावसायिक पक्ष अनुकूल रहेगा, विरोधी दबे रहेंगे। जुलाई के महीने में मंगल नीच के और आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, जिससे अनचाही बातें हो सकती हैं। ना चाहते हुए भी स्थानांतरण का सामना करना पड़ सकता है अथवा ठीक ढंग से सुचारू ढंग से चलते हुए कामों में अचानक बाधा आ सकती है। व्यवसाय करने वाले जातकों को भी अपनी कार्यशैली में मजबूरी बस
कुछ बदलाव लाने पड़ सकते हैं। फिर भी यदि आप धैर्य और संयम बनाए रखें तो किसी नुकसान की संभावना नहीं बनेगी। मगर 17 अगस्त के बाद से सितंबर अक्टूबर के महीने आपके लिए अत्यधिक उपयुक्त होंगे, जिसमें कार्य क्षेत्र में मन मुताबिक बदलाव और सुधार होगा। बेरोजगार युवकों को नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं और नौकरी करने वाले जातकों के मन मुताबिक स्थानांतरण की उम्मीद बनती है। इस दौरान कार्यभार भी अधिक रहेगा, मगर धैर्य और संयम बनाए रखें। इस वर्ष के अंतिम महीने में आपके इच्छा अनुसार काम होते जाएंगे और आर्थिक लाभ सुचारू ढंग से मिलता जाएगा। समाज की नज़र में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में आपका उदय होगा और सम्मानित किए जाएंगे। कैसा रहेगा स्वास्थ्य, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति और कैसा रहेगा विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष? वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह वर्ष सामान्य लाभकारी होगा। धन संबंधी मामलों में आय की स्थिति सामान्य बनी रहेगी, मगर भाग्य में विशेष वृद्धि होगी। जिस विषय वस्तु को लेकर आप बहुत गंभीर नहीं रहते हैं वहाँ से भी धन की प्राप्ति संभव है, मगर आर्थिक व्यवस्था और मजबूत बनाने के लिए आपको अधिक मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। इस वर्ष पैतृक संपत्ति मिलने की भी संभावना बनती है। मई के महीने में व्यवसाय में धीमी गति से आर्थिक लाभ होगा। जुलाई के अंत में, अगस्त और सितंबर में आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही अच्छा महीना रहेगा। इस दौरान आपकी आमदनी बढ़ेगी और धन की बचत भी होगी। साहस और परिश्रम से कुछ कार्यों में सफलता मिलेगी। अच्छे अच्छे कामों में खर्च की संभावना भी बनती है। मेहनत और परिश्रम से आपके विवादित और बिगड़े हुए काम भी बनने लगेंगे। विदेश यात्रा का योग भी बनता है। नई नीतियों का इस्तेमाल आपके व्यवसाय में एक मिसाल कायम करेगा। साथ ही धार्मिक कार्यों में भी रुचि बढ़ेगी और खर्च होगा। घरेलू समस्याओं को लेकर परिवार में मतभेद की स्थिति भी पैदा हो सकती है, मगर संतान पक्ष से सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष सामान्यतया बना रहेगा, मगर आपके स्वास्थ्य को लेकर वर्ष की शुरुआत से ही आपको चैतन्य हो जाना चाहिए। मोटे तौर पर यदि कहा जाए तो मानसिक दबाव दिनचर्या में ना आने दें, अन्यथा रक्तचाप की समस्या पैदा हो सकती है। साथ ही कंधों में जकड़न और दांत मसूड़ों में दिक्कत का अंदेशा भी बनता है। पित्त संबंधी समस्याओं और कंधे में जकड़न की समस्या से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। मार्च के बाद राहु केतु के राशि परिवर्तन से शनि केतु की युति आपके दूसरे भाव में बन जाएगी, जिससे मुंह में संक्रमण का अंदेशा और हड्डी संबंधी समस्याओं का पैदा होना संभावित है। मई के महीने में भी स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। अचानक चोट लगने, वाहन इत्यादि से एक्सीडेंट होने या अचानक तबीयत बिगड़ने का अंदेशा बनता है। यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या पहले से चली आ रही है तो डॉक्टरी सलाह ले लेना चाहिए। जून के मध्य से और जुलाई अगस्त का महीना स्वास्थ्य संबंधी दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव वाला बना रहेगा। इस दौरान भी यदि कोई समस्या है तो उचित डॉक्टरी सलाह लेकर नियमित दवा का सेवन करें और सादा और संतुलित खान पान को प्राथमिकता में रखें। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष कैसा होगा? विद्यार्थियों के लिए यह साल बहुत अच्छा होगा। अपने पढ़ाई की निरंतरता बनाए रखें, मन के भटकाव को नियंत्रित रखें। आपको मन मुताबिक कामयाबी मिल सकती है। चूंकि आपकी राशि पर बृहस्पति का गोचर आपको आशानुरूप सफलता दिलाने में पूर्ण सहयोग करेंगे। बृहस्पति की पंचम दृष्टि शिक्षा भाव पर और बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर निरंतर बनी हुई है, इसलिए यदि आपने ईमानदारी से तैयारी की है तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। शिक्षा क्षेत्र में भाग्य आजमा रहे अभ्यर्थियों को इस वर्ष पूर्ण सफलता मिलने के योग हैं। साथ ही तकनीकी कार्यों, वैज्ञानिक अभिरुचियों वाले जातकों को भी सफलता मिल जाएगी। अगस्त और सितंबर का महीना चिकित्सा क्षेत्र में भाग्य आजमा रहे अभ्यर्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। मन मुताबिक सफलता मिल सकती है। वर्ष के अंत में गुरु शनि और केतु की युति जुडिशियरी के क्षेत्र में भाग्य आजमा रहे अभ्यर्थियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा, मगर इस दौरान आपको धैर्य की अंतिम परीक्षा भी पास करनी होगी। धैर्य और संयम बनाकर लगातार मेहनत करते रहे तो सफलता आपके कदम चूमेगी।
और समाज में कैसी रहेगी आपकी भूमिका। वृश्चिक राशि के जातकों को इस वर्ष परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा, मित्र बंधुओं से भी मदद मिलती रहेगी, मगर भाई बहन से थोड़ी मतभेद की स्थिति बन सकती है। जून माह में पारिवारिक दायित्व बढ़ने के कारण कुछ तनाव का वातावरण बन सकता है। आपकी नीतियों का इस्तेमाल प्रतियोगी कर सकते हैं। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। आपकी प्रवृत्ति अंतर्मुखी है, संकोच कई कार्यों में बाधा बन जाते हैं। पत्नी से भी यदा कदा मतभेद की स्थिति और तनाव हो सकता है, उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना आवश्यक होगा। समय समय पर डॉक्टरी सलाह लेते रहें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और आपसी सूझबूझ से रिश्तों को सींचना लाभदायक रहेगा। इस वर्ष आप पारिवारिक दायित्व में सफल माने जाएंगे और सम्मानजनक स्थिति बनी रहेगी। क्या उपाय करने चाहिए जिससे स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता बनी रहे, आर्थिक पक्ष मजबूत हो, रोजगार में उन्नति मिले और हर कार्य मन मुताबिक होता रहे। नित्य भगवान शंकर और हनुमान जी की आराधना करें। हर सोमवार को शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। गाय को घी लगी हुई रोटी में थोड़ा हल्दी छिड़क कर खिलाएं। केले के पौधे में रोज जल डालें और सूर्य देव को अर्घ दें। स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा, विकास की दर तेज होगी और आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा और हर क्षेत्र में आप सफल रहेंगे।